नमस्कार, बिल्डर्स के बदमाश कंपनी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूँ। अपना घर बनाने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन उन्हीं सपनों पर लुटेरे बिल्डर डाका डाल रहे हैं। तमाम संस्थाएं और प्राधिकरण सरकार ने बना रखे हैं, लेकिन इंसाफ की उम्मीद धुंधली हो चली है। ऐसे में भारत समाचार आपकी आवाज बनेगा। हम आपकी आवाज सीधे सरकार तक पहुंचाएंगे। हम ऐसे लुटेरे बिल्डरों का पर्दाफाश कर आपको आगाह करेंगे। साथ ही जब तक जालसाज बिल्डरों को सलाखों के पीछे भिजवा नहीं लेते, हम आपकी मुहिम के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन आपको भी हमारे साथ अगले आगे आधे घंटे तक जुड़े रहना पड़ेगा, ताकि आपके साथ कोई बदमाश बिल्डर फ्रॉड ना कर सके। निवेशकों से एक बार फिर वादा किया गया है, वादा किया है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। सीएम ने कहा है कि अप्रैल के अंदर 50,000 फ्लैट दे दिए जाएंगे। निवेशक सड़कों पर चिल्लाते चिल्लाते थक गए, प्रदर्शन करते करते थक गए। घर आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, इस महीने, बस इस महीने, अगले महीने, 15 तारीख को, 28 तारीख को, 31 तारीख को, बस मिलती रही तारीख पर तारीख। और ये तारीखें कब दिनों में, दिन कब महीनों में, और महीने कब सालों में तब्दील होते चले गए, पता ही नहीं चला। एक बार फिर आश्वासन वाली घुट्टी मिली है कि अप्रैल में 50,000 फ्लैट दे दिए जाएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के संबंधित अधिकारियों को कह दिया गया है, और ये ऐलान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने इससे पहले भी नोएडा दौरे के दौरान कहा था कि दिसंबर तक फ्लैट दे दिए जाएंगे। वो वादा पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में नई नई तारीखें मिलती रही, नहीं मिला तो बस एक फ्लैट। और अब फिर आदेश जारी हुआ है कि अप्रैल खत्म होते होते 50,000 फ्लैट दे दिए जाएंगे। आखिर सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारी कब अपनी लापरवाही छोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। सरकार ने 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई, वो दिल्ली नोएडा जाती है, बैठ के करके चली आती है, लेकिन हालात नहीं बदलते। निवेशक आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और उन्हें अगर कुछ मिल रहा है तो वो है तारीख। अब निवेशकों को इंतजार करना है कि आखिर अप्रैल में ये सरकारी वादा पूरा होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सोचिए, आप अपने पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाई मकान के लिए, घर के लिए, लेकिन मिल क्या रहा है, तारीख। इधर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आम्रपाली के बुरे दिन शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कह दिया है कि निवेशकों का हक मारने नहीं दिया जाएगा। आपको यह बता दें कि इस पूरे मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को होनी है। आज बायर्स, बिल्डर्स, दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे, प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। लंबे वक्त तक मीटिंग चली जिसमें इस पूरे मुद्दे पर बात हुई, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मीटिंग में महज खानापूर्ति की गई है। के कौशल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। के कौशल, आपको हमने लिखा है पीड़ित निवेशक, जरा बताएंगे इस मीटिंग में हुआ क्या? देखिए, ये आपको भी पता है कि ये आज की मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई है, और इसमें आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा और आम्रपाली ड्रीम वैली के डायरेक्टर राम कुमार
मौजूद थे, साथ में उनके वकील जितने भी वकील हैं उनके फेवर में लड़ने वाले वो सारे मौजूद थे, और बायर्स जितने भी उनके अम्रपाली के प्रोजेक्ट्स हैं सारे प्रोजेक्ट के बायर्स मौजूद थे और उनके वकील मौजूद थे। तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ है, लेकिन बायर्स ने जब ये मुद्दा उठाया कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीजर चल रहा है वो साथ में चलता रहे, लेकिन अगर आपको घर देने का नियत सही है तो आप काम शुरू क्यों नहीं करते और लेबर का मोबिलाइजेशन करिए, लेकिन सीएमडी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और केवल ये गोल मटोल बातें और खानापूर्ति की जा रही है। बिल्कुल ही घर खरीदारों का घर देने का मन नहीं है, बिल्डर बिल्कुल चोर है और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं एक और बात आपको बताऊं, जो सबसे बड़ी बात आप अभी भी दिखा रहे हैं कि योगी जी अभी गाजियाबाद में आए थे, फिर 50,000 फ्लैट देने का वो वादा करके गए हैं, जब भी वो आते हैं 50,000 का नाम लेते हैं, लेकिन आप अगर जमीनी सच्चाई देखेंगे तो केवल वो हवा हवाई बातें हैं और धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सीएम हवा हवाई बात कर रहे हैं, के कौशल जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक और सूचना आज दे दूं कि अम्रपाली के तरफ से जो अम्रपाली के लिए बायर्स के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, अम्रपाली के फेवर में केस लड़ रहे हैं, वो बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हैं। एक तरफ आपने ये देखा होगा कि जब हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे 50 दिन तक, उसमें एक कमेटी बनाई गई, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी थी जिसमें भारत समाचार के तमाम दर्शक हैं जुड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये मीटिंग हुई है। तो के कौशल, जो पीड़ित निवेशक हैं वो ये बताएं कि इस मीटिंग से निकला क्या, अगर एक लाइन में बताना हो तो उनको। देखिए, इस मीटिंग से एक जरूर बात निकली कि सरकार केवल बातें हवा हवाई कर रही है, एक तरफ वो घर दिलाने का वादा करती है, दूसरी तरफ गौरव भाटिया नेशनल प्रवक्ता है उनको अम्रपाली की तरफ से केस लड़ने। थैंक यू सो मच के कौशल, समय कम इसलिए हम आपको रोक रहे हैं। के कौशल कह रहे हैं मीटिंग तो जरूर हुई है लेकिन सही मायने में कुछ निकला नहीं है, क्योंकि बातें तो हो रही हैं, काम नहीं हो रहा है ना। आगे बढ़ेंगे। नोएडा के सेक्टर 76 में आम्रपाली बिल्डर के प्रिंसली एस्टेट को प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस दी है, जिसमें प्रिंसली एस्टेट के बाहर अवैध कॉमर्शियल दुकानों को 7 दिन के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है। प्राधिकरण की नोटिस के बाद बिल्डर की मुश्किल और बढ़ गई है। आम्रपाली बिल्डर पर प्राधिकरण सख्त, अथॉरिटी तोड़ेगा प्रिंसली एस्टेट की अवैध दुकानें। प्राधिकरण की आम्रपाली पर सबसे बड़ी कार्रवाई। नोएडा के सेक्टर 76 में आम्रपाली बिल्डर ने अपनी प्रिंसली एस्टेट सोसाइटी में अवैध निर्माण कराकर लाखों रुपए महीने की कमाई की। वहीं दूसरी ओर आम्रपाली बिल्डर की करतूत से रेजिडेंट्स परेशान थे। इसके पीछे वजह ये थी कि जहां स्किल्ड पार्किंग थी वहां दीवार खड़ी करके आधे हिस्से में स्टोर बनाकर बेच दिया। यही नहीं, स्टोर की छत भी अवैध रूप से नियमों को ताक पर रखकर बेच दी गई। इसी के चलते रेजिडेंट्स ने अथॉरिटी से मामले की शिकायत की। अथॉरिटी नोटिस पर नोटिस देता रहा लेकिन मोटी खाल वाले अनिल शर्मा पर नोटिस का कोई असर नहीं हुआ। होता भी कैसे, जब यह धूर्त बिल्डर अनिल शर्मा स्टोर और कियोस्क बना रहा था तो प्राधिकरण अजगर की तरह नोटों का बंडल दबाए बैठा था। नोटिस देकर बस खाना पूर्ति होती थी, लेकिन जब प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च अदालत के तेवर देखे और बिल्डर्स, बायर्स और प्राधिकरणों के साथ मीटिंग कर अटके प्रोजेक्ट के निपटारे का आदेश मिला, तो उससे पहले ही प्राधिकरण ने आम्रपाली पर नजरें टेढ़ी कर दी, दिखाने के लिए उसे नोटिस जारी कर तोड़ने का आदेश दे दिया। माना जा रहा है कि ये प्राधिकरण का अंतिम नोटिस है। इस नोटिस के 7 दिन के भीतर उसके प्रोजेक्ट पर बनी अवैध कॉमर्शियल स्टोर और कियोस्क तोड़ दिए जाएंगे। प्रिंसली के घर खरीदार पहले ही आम्रपाली से परेशान हैं। इस सोसाइटी में कहीं बिजली विभाग का लाखों रुपए बिल बकाया है तो कहीं रजिस्ट्री और मेंटेनेंस के नाम पर उन्हें लूटा जा रहा है। जब सोसाइटी की पार्किंग पर आम्रपाली ने बुरी नजर डाली तभी से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, लेकिन प्राधिकरण ने कार्रवाई करते करते देर कर दी। अभी इन अवैध दुकानों को गिराने में कितना वक्त लगेगा, इस पर भी प्राधिकरण की मंशा पर सवाल है। दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। आम्रपाली की लूट और बेईमानी की गाथा हर दिन सामने आती रहती है। अभी इस बार नोएडा विकास प्राधिकरण ने भी इस लूट गाथा को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया। इस वक्त हम सेक्टर 76 में खड़े हुए आम्रपाली प्रिंसले सोसाइटी के बाहर। यहाँ पर नक्शा कुछ और था लेकिन उस नक्शे के अलावा
बहुत सी दुकानें और क्योस्क खड़ी कर दी, जिसके लिए अब अंतिम नोटिस जारी किया गया है प्राधिकरण की तरफ से। इस वक्त हम ये प्रिंसले स्टेट सोसाइटी है आम्रपाली की, यहाँ पर जो नक्शा बनाया गया था, जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए दुकानें बनाई जानी थी, क्योस्क बनाए जाने थे, वो अलग हैं, लेकिन आम्रपाली ने इन सब चीज़ों को दरकिनार करके अवैध तरीके से जो है बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से कियोस्क बना दिए, दुकान बना दिए, और कई बार इसको लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण ने नोटिसें जारी करी, लेकिन आम्रपाली ने कोई भी जवाब नहीं दिया। एक जवाब में आम्रपाली ने कहा कि जो दुकानें हैं वो नक्शे में हैं, लेकिन जब प्राधिकरण ने जाँच करी तो वो दुकानें अवैध पाई गई। अब बाकायदा कड़ी कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण ने एक अंतिम नोटिस जारी किया है आम्रपाली को कि 7 दिन के अंदर ये दुकानें और क्योस्क तोड़ दी जाएं, क्योंकि ये अवैध हैं। जो नक्शा पास कराया गया था उस नक्शे के अनुरूप ये सारी चीज़ें नहीं हैं। प्राधिकरण ने 7 दिन का टाइम दिया है आम्रपाली को कि इससे पहले हम ध्वस्तीकरण करें, आप इसको ध्वस्तीकरण कर दें। जिस तरीके से आम्रपाली ने पहले बायर्स को लूटा, सरकार को चूना लगाया, तो अब कहीं ना कहीं जहाँ पर उसको एक चीज़ पर फ़ायदा होता है तो वो उसमें अपना फायदा बढ़ाने के लिए अवैध तरीके से इस तरीके के काम कर डालता है। लेकिन प्राधिकरण काफी सख्त है, प्राधिकरण ने 7 दिन का वक्त दिया है, तो देखना होगा कि इन 7 दिनों में आखिर जो आम्रपाली बिल्डर है वो इसमें गंभीर होता है और क्या इस बेईमानी की पर खड़ी करी दुकानों को तोड़ पाता है, या फिर जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही है वो प्राधिकरण करता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। जानना यह भी जरूरी है कि 3C बिल्डर के 3 पार्टनर हैं, निर्मल सिंह उनका सरगना है, तीनों ने मिलकर नोएडा में कई प्रोजेक्ट खड़े किए हैं, लेकिन जितनी लूट लोटस पनास के नाम पर इन लोगों ने मचाई है उतना डाका बिगड़ों में डकैत भी नहीं डालते होंगे। सैकड़ों बायर्स की जमा पूंजी 3C बिल्डर ने लूट ली, जिन घर खरीदारों को फ्लैट मिल गया वो भी जरूरी सुविधाओं के लिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं। 3C बिल्डर नोएडा का सबसे बड़ा डकैत, सैकड़ों बायर्स की लूट ली जमा पूंजी, 5 साल से घर के लिए घेराव कर रहे निवेशक। थ्रीसी बिल्डर निर्मल सिंह ने साल 2009 में लोटस पनास की लॉन्चिंग की। लोटस पनास में 1 साथ 30 टावर बनाने का नक्शा पास कराया और सभी पर बुकिंग खोल दी। उस वक्त निवेशकों को लूटने के लिए तरह तरह से प्लान लेकर आया, जिसके झांसे में आकर सैकड़ों निवेशक फंसते चले गए। तब उसने दावा किया था कि होम बायर्स को 2013 तक प्रोजेक्ट पूरा करके घर पर कब्जा दिला देगा, लेकिन आज तक घर खरीदार को उनका घर नहीं मिला। 3C बिल्डर के सेक्टर 110 की इस हाई राइज सोसाइटी में 30 टावर है, जिनमें लगभग 4000 फ्लैट है। एक फ्लैट की कीमत इसने 1.25 करोड़ रुपए तय कर रखी है। इस हिसाब से इसने निवेशकों से अरबों रुपए लेकर हजम कर लिए। फ्लैट मांगने पहुंचते हैं तो बस अगली डेट बताकर टाल देता है। पनाज का प्रोजेक्ट है 3C वालों का, वहां पर फ्लैट्स है और वहां पर हमारे जैसे सैकड़ों लोगों के साथ में इन्होंने पैसे लेके फ्रॉड किया है, ना तो फ्लैट दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इसको लेकर हम लोगों ने उनके दिल्ली आवास पर कई बार प्रदर्शन भी किया, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि एक्सप्रेस वे थाने में इसके खिलाफ 10 से ज़्यादा FIR है और ना तो पुलिस कोई एक्शन ले रही है और ना नोएडा प्राधिकरण कोई एक्शन ले रहा है। 10 टावर पर आधा अधूरा निर्माण कराकर निवेशकों को रहने के लिए सौंप दिया। आज तक सोसाइटी में रहने वालों को OC नहीं दी, अब OC के लिए दौड़ा रहा है। प्राधिकरण सुन नहीं रहा, सोसाइटी के लोग गर्मी में साफ पानी के लिए परेशान हैं, वाटर कनेक्शन कट चुके हैं, बिजली और जरूरी संसाधनों के लिए 3C बिल्डर निर्मल को खोज रहे हैं, लेकिन वो लापता हो चुका है। अथॉरिटी निर्मल सिंह और उसके दोनों पार्टनर को प्रोटेक्शन दे रही है और शह पर ही निर्मल निवेशकों की जेब पर डाका डाल रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया उसका मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन ऐसे अधिकारी भी हैं जो अभी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आप छोटे से एक मुकदमे में देख लो, पुलिस छोटे आदमी को जल्दी गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, लेकिन एक इतने बड़े भ्रष्टाचारी को क्या संरक्षण के तहत ही गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? नहीं तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? मैं मांग करता हूं कि ऐसे जो भ्रष्टाचारी उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाए। ये तो इनकी किस्मत है जो इन्हें सिर छिपाने के लिए छत मिल गई। 20 टावर के निवेशक फुल पेमेंट करने के बावजूद उसके दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, न बिल्डर मिल रहा है, न उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई हो रही है। निवेशकों ने 3C बिल्डर निर्मल सिंह के घर पर प्रदर्शन किया, उसके घर का घेराव किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला।
अब निर्मल सिंह नोएडा में अपना बाजार समेटकर देश से फुर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 3C बिल्डर को लूट की खुली छूट है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 3C बिल्डर को लूट की खुली छूट मिली हुई है और ये बात हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3C बिल्डर निर्मल सिंह के ऊपर 10-10 FIR दर्ज होने के बावजूद अभी भी वो आजाद क्यों है। अभी हाल ही में उसके खिलाफ लेबर सेस का 2500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप भी लगे, थाने में शिकायत भी दर्ज हुई, लेकिन ये बदमाश बिल्डर हर बार बच कैसे निकलता है? पुलिस हो या प्राधिकरण, दोनों इस पर कार्रवाई करने से कतराती क्यों है? 3C बिल्डर को लूट की छूट, निर्मल सिंह पर 10-10 FIR, फिर भी 3C बिल्डर की गिरफ्तारी नहीं। एक छोटी सी चोरी कोई कर दे तो पुलिस तुरंत उसको जेल में ठूस देती है, लेकिन 3C का मालिक निर्मल सिंह हजारों करोड़ रुपए लूट चुका है और आज भी खुलेआम घूम रहा है। इसके खिलाफ एक्सप्रेसवे थाने में 10 से अधिक FIR दर्ज है, फोर्जरी और अमानत में खयानत की, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नोएडा पुलिस की तरफ से नहीं करी गई है। ये वो बिल्डर है जो निवेशकों से रकम लेकर पैसे दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट करता है। 3C बिल्डर की बदमाशी क्यूरी एंड ब्राउन नाम की ऑडिट कंपनी भी उजागर कर चुकी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी प्राधिकरण में इस बिल्डर की गहरी पैठ है। ये नाम का निर्मल है, इसका काम फ्रॉडगिरी करना है, निवेशकों को लूटना इसका मकसद है। लोटस पनास के निवेशकों पर आरोप है कि 3C बिल्डर ने जितने वादे किए उससे ज्यादा उसने उनके साथ लूट की। उन्हें प्रोजेक्ट में सिर्फ धोखा मिला, जब पजेशन दिया गया तो कई फ्लैट पर महज 30% काम करवा कर कब्जा दिला दिया गया। निवेशकों ने बिल्डर से लेकर प्राधिकरण से इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर निवेशकों को धूर 3C बिल्डर निर्मल सिंह के घर का घेराव करना पड़ा। प्रदर्शन पर प्रदर्शन हुए, लेकिन निर्मल सिंह ने अपनी लूटने की फितरत नहीं बदली। हम लोग टावर्स में रह रहे हैं, इन्होंने हमें बोला गया 15 दिन में OC दे देंगे आपके पोजीशन के बाद। हमने पोजीशन ले लिया फ्लैट्स का, महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल हो गया, कोई OC का पता नहीं है, कुछ OC नहीं है। ये बिल्डर तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि कभी ये बनकर तैयार होगा सोसाइटी। FIR दर्ज कराई थी, क्या स्टेटस? FIR दर्ज कराई है इनके अगेंस्ट। FIR के अलावा हमने NCDRC में इनके अगेंस्ट केस भी डाला हुआ है, क्योंकि इन्होंने अभी तक OC नहीं दी है हमको। और हम लोग रह रहे हैं, हम लोग को 15 दिन बोलते हैं, 20 दिन बोलते हैं, अभी तक FIR के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इन लोगों की। आरोप है कि 3C बिल्डर के मालिक निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी ने लीज रेंट और लेबर सेस के नाम पर करीब 41,000 खरीदारों से 2500 करोड़ रुपए वसूले, लेकिन संबंधित विभाग में जमा नहीं कराए। सेक्टर 110 के लोटस पनास अपार्टमेंट्स के बायर्स एसोसिएशन ने भी 3C बिल्डर के इस धोखाधड़ी के खिलाफ मोर्चा खोला और एक्सप्रेस वे थाने में बिल्डर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन वो FIR अभी भी थाने की शोभा बढ़ा रही है। 3C पर FIR की फाइलें धूल फांक रही हैं और धूर्त निर्मल सिंह निवेशकों की गाढ़ी कमाई हजम करता जा रहा है। कहीं से कहीं घर मिलने का कोई चांसेस नहीं है, कहीं तक ना ही हमें कहीं दिखाई दे रहा है। उम्मीद है, कोई उम्मीद लग नहीं रही कि हमें ये घर मिल सकेगा। ऑफिस इनके जाते हैं, कोई नई नई बातें सुनने को आती हैं कि भाई हम 6 मंथ में काम स्टार्ट करेंगे, साल भर में काम, 2 साल एटलीस्ट। जिस टावर में मेरा फ्लैट है उसको कम से कम 2 साल का टाइम होल्ड लिया है, जबकि मैं 2013 के अंदर 90% पेमेंट दे चुका हूँ और कहीं से कहीं उम्मीद लग नहीं रही थी कि मुझे अब घर देंगे। इसके कई प्रोजेक्ट आज भी देरी से चल रहे हैं, निवेशकों का हक मारा जा रहा है, लेबर सेस के नाम पर घोटाला कर रहा है। सूत्रों की माने तो इसने निवेशकों को खोखला करके विदेश भागने की तैयारी में है। वैसे भी इसने अपने प्रोजेक्ट पर निवेशकों से ली गई रकम को डाइवर्ट करके विदेश में ठिकाने लगा दिया है। सवाल इस बात का है कि सरकार, पुलिस और प्राधिकरण क्या निर्मल सिंह के फरार होने का इंतजार कर रही है? क्यों ये बदमाश बिल्डर खुलेआम घूम रहा है?
अगर निर्मल जीत को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया या फिर उसका पासपोर्ट जब्त नहीं किया तो ये धूर्त बिल्डर कभी भी नीरव मोदी की तरह देश छोड़ सकता है। आखिर नोएडा पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही है? क्या ये बेईमान बिल्डर जब देश छोड़कर चला जाएगा तब एक्शन में आएगी नोएडा पुलिस? जिस तरीके से पुलिस की उदासीनता है उससे कहीं ना कहीं बायर्स में भी गुस्सा है और वो सीधे शिकायत कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री उनकी शिकायतें सुने और कम से कम इस बेईमान बिल्डर को सलाखों के पीछे पहुंचाएं। तो देखना होगा कि नोएडा की सोती हुई पुलिस कब जागती है और कब ये बेईमान बिल्डर सलाखों के पीछे जाता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।